नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मैं हूं राकेश। जलालपुर के लाल शहीद संतोष तिवारी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सारण जिले के जलालपुर के लाल व दिल्ली में सीआरपीएफ के 122वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट संतोष तिवारी के इलाहाबाद के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद शनिवार को सुबह उनकी निकली शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उनका अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पर शनिवार को सुबह में ही हजारों लोग उपस्थित थे। शहीद संतोष का शव शुक्रवार की देर संध्या सीआरपीएफ के जवान जलालपुर लेकर पहुंचे थे। रात्रि 8 बजे जलालपुर बाजार संतोष तिवारी अमर रहे, देश का बेटा कैसा हो, संतोष तिवारी जैसा हो, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा था। पार्थिव शरीर के बॉक्स को देखने के बाद पूरा वातावरण गमगीन हो गया। सभी ने नम आँखों से अपने वीर लाल का दर्शन व नमन किए। शनिवार को जलालपुर स्थित उनके आवास से शव यात्रा निकली, जिसमें जलालपुर तथा आसपास के गांवों के सैकड़ों युवा मोटरसाइकिल और विभिन्न गाड़ियों से शहीद संतोष अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारा लगाते हुए शामिल हुए। रिविलगंज के शमशान घाट पर पहुँचने पर सीआरपीएफ के जवानों पदाधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, मातमी धुन बजाए तथा उन्हें सलामी दी। पूरा शमशान घाट संतोष तिवारी अमर रहे, जलालपुर के लाल तुम पर गर्व है, देश का बेटा कैसा हो, संतोष तिवारी जैसा हो के नारों से गूंजता रहा। हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने नम आँखों से संतोष की अंतिम विदाई दी। शहीद के 5 वर्षीय पुत्र श्रेहन ने मुखाग्नि दी, जबकि प्रक्रिया शहीद के पिता कृष्णा तिवारी ने पूरा की। मौके पर सीआरपीएफ के वरीय पदाधिकारियों, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उमेश तिवारी, प्रमोद सिग्रीवाल, अमरजीत सिंह, मनोज कुमार पांडे, बुलबुल मिश्रा, अखिलेंद्र तिवारी, अंकित तिवारी, अविनाश तिवारी, धीरज तिवारी, दिलीप कुमार सिंह सहित हजारों की संख्या में युवा और ग्रामीण थे। जलालपुर से अखिलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। संतोष भैया जैसा हो। Salam, 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 salam
जी।